इन्फिनिक्स 05G 2023 टर्बो एडिशन फाइनली आज हमारे पास आ चुका है। जब से लॉन्च हुआ है इस फोन को मैं यूज कर रहा हूँ पिछले 5 दिनों से। आप लोगों को पता है अच्छी तरीके से टेस्ट ना करके मैं रिव्यू वीडियो लेकर नहीं आता हूँ। इस वीडियो में इन्फिनिक्स 05G 2023 टर्बो एडिशन का डिटेल रिव्यू करूंगा। सबसे पहले बॉक्स कॉन्टेंट देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या दिया है। बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले फोन मिलता है, एक फास्ट चार्जिंग एडाप्टर दिया है, टाइप सी केबल दिया है, कुछ यूजर मैनुअल गाइड है, सिम रिजेक्टर पिन देखने को मिलता है, एक्स क्लब का एक वेलकम कार्ड है और एक बैक केस मिलता है। इसका क्वालिटी एवरेज है। डिजाइन इसका यूनिक है, बैक साइड में लेदर फिनिश दिया है, उसके वजह से हाथों का निशान तो नहीं आएगा और क्रैचेस वगैरह भूल ही जाओ। मैं क्रैचेस करने के लिए थोड़ा सा चेक कर रहा था कि हाथों का निशान या क्रैचेस वगैरह आ जाए, तो टोटली क्रैचेस या हाथों का निशान बिल्कुल भी नहीं आता है और प्रीमियम लगता है लेदर फिनिश फोन। जब आप लोग हाथ में लोगे या इस फोन को जब आप लोग हाथ में लोगे प्रीमियम जैसा लगेगा। कैमरा का मॉड्यूल भी काफी अच्छा है, बहुत सारे लोगों को इसका कैमरा मॉड्यूल पसंद आएगा। ओवरऑल इसका डिजाइन काफी अच्छा है। ये फोन बड़ा फोन है, अगर आपके हाथ थोड़ा सा छोटा है फोन यूज करने में पहले दिक्कत हो सकता है, लेकिन जब आप लोग यूज करते जाओगे उसी तरीके से कंफर्टेबल हो जाओगे। जिस तरीके से फोन बड़ा है उस तरीके से स्लाइटली हेवी फोन भी है। अगर आप एक हाथों से काफी देर तक फोन को इस्तेमाल कर रहे हो हाथ थोड़ा सा दुखेगा। मैं अभी बोला हूँ यूज करते करते आप लोग कंफर्टेबल हो जाओगे। 6.78 इंच का फुल HD प्लस LTPS डिस्प्ले पे देखने को मिलता है, AMOLED डिस्प्ले नहीं है। अगर आप ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हो ये फोन शायद आप लोगों को मजा नहीं दे पाएगा, AMOLED डिस्प्ले नहीं है, लेकिन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है स्क्रॉलिंग के टाइम में। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो 120 हर्ट्ज आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, लेकिन ये जो 120 हर्ट्ज है बाय डिफॉल्ट बंद रहता है, आप लोगों को डिस्प्ले सेटिंग के अंदर जाके 120 हर्ट्ज को इनेबल करना पड़ता है। मैंने बहुत सारे मूवी बहुत सारे वीडियो वगैरह इस फोन में देखा था, क्वालिटी तो अच्छा है लेकिन AMOLED डिस्प्ले जैसा आप लोगों को मजा नहीं दे पाएगा। इस फोन में मैं YouTube वीडियो देख रहा था, एक अच्छा चीज मेरे को लगा है इस फोन में आप 4K करके वीडियो देख पाओगे और 4K करके जब आप लोग वीडियो वगैरह देखोगे ये फोन लैग नहीं करता है, यानी कि वीडियो जब प्ले होगा तब लैग नहीं करता है। ये बहुत अच्छा काम किया है इन्फिनिक्स। आउटडोर में इस फोन को मैं यूज किया हूँ, इसका आउटडोर ब्राइटनेस काफी अच्छा है, अगर आप कड़ी धूप में भी फोन को इस्तेमाल कर रहे हो देख पाओगे दिक्कत नहीं होगा। इस फोन का सबसे बड़ा हाईलाइटेड चीज क्या आप लोगों को पता है, इसका प्रोसेसर Dimensity 1080 चिपसेट मिलता है। 4,84,000 इसका Antutu स्कोर आया है। इस फोन में मैंने PUBG टेस्ट किया हूँ और 1-2 घंटा नहीं लगभग 4-5 घंटे तक PUBG टेस्ट किया हूँ। स्मूथ एंड एक्सट्रीम करके खेल पाओगे और हाँ HDR अल्ट्रा सेटिंग में भी आप खेल पाओगे दिक्कत नहीं होगा। इस फोन में मैंने PUBG खेला था 4-5 घंटे तक, 15-20 मिनट के बीच में इस फोन में लैगिंग इशू मेरे को लगा है। PUBG खेलने के टाइम में कभी कभार लैग वगैरह दिखाई देता है, ये इस फोन में प्रॉब्लम है। इन्फिनिक्स 020 में ये प्रॉब्लम नहीं था, इन्फिनिक्स 05G 2023 टर्बो एडिशन में ये प्रॉब्लम मेरे को लगा है, तो इसके ऊपर इन्फिनिक्स को सुधार लाना चाहिए, अपडेट देकर ये फिक्स हो सकता है। अगर इन्फिनिक्स का कोई भी भाई ये वीडियो देख रहा है तो इसके ऊपर थोड़ा सा चेंजेस करो, मुझे नोटिस हुआ है उसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये वीडियो ब्रांड के कोई भी भाई अगर देख रहा है गलत वे में मत लो, पॉजिटिव वे में लो और इसके ऊपर थोड़ा सा चेंजेस लाया करो। 4-5 घंटे तक मैंने इस फोन में PUBG खेला था और PUBG खेलने के टाइम में इस फोन में हीटिंग इशू मेरे को नहीं लगा है, लगभग 37-36 इस तरीके का कुछ टेम्परेचर था, उससे ज्यादा नहीं गया था 4-5 घंटे खेलने के बाद भी, तो ये मेरे को इम्प्रेस किया है। PUBG में जो लैगिंग इशू है इन्फिनिक्स अपडेट देकर भी फिक्स कर सकता है, तो यहाँ पे टेंशन लेने का बात नहीं है। जब 30 डेज में रिव्यू बनाऊंगा वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपडेट देकर फिक्स हुआ कि नहीं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 4-5 घंटे इस फोन में PUBG में क्यों खेला था, क्योंकि इस फोन का मैं बैटरी ड्रेन टेस्ट कर रहा था, 100% चार्ज कर लिया था, 0% तक इस फोन में सिर्फ PUBG खेलकर बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था। मुझे स्क्रीन ऑन टाइम दिया है 6 घंटे के आसपास। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना हो हमारे गेमिंग चैनल में अवेलेबल है, कार्ड में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो एक बार जरूर चेक कर लेना या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा एक बार जरूर चेक कर लेना। बैटरी ड्रेन के टाइम में कोई भी हीटिंग इशू नहीं है। 33 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, फुल चार्ज होने के लिए ये फोन टाइम लगाता है 1 घंटा 15 मिनट के आसपास। बहुत सारे भाई लोग कह रहा था 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाता है, ऐसा नहीं दोस्त, मैं खुद टेस्ट करके चेक कर
चुका हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 घंटा 15 मिनट कम से कम लगता है। इन्फिनिक्स पहले से उसके फोन में बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर आया है, जैसे कि आउट ऑफ बॉक्स इन्फिनिक्स के फोन में पहले बहुत सारे बेकार एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल रहता था, लेकिन अभी वो सब कुछ नहीं है, क्लीन कर दिया है, क्लियर ऐप ड्रॉयर कर दिया है, तो मेरे को अच्छा लगा। बेकार का एप्लीकेशन सारे इस फोन में नहीं है, आप लोगों को अनइंस्टॉल करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इस फोन में नहीं दिया गया है। इस फोन में XOS 12 रन करता है, पहले XOS उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अभी इन्फिनिक्स बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर आया है और इसके UI में काफी इंप्रूवमेंट किया गया है। उतना हेवी UI नहीं है, मैं यूज कर रहा था, और लैगिंग वगैरह नहीं है या जिटर वगैरह इसके UI में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एंड्रॉइड 12 इस फोन में आउट ऑफ बॉक्स मिलता है, यहाँ पे 3.5 mm जैक भी देखने को मिलता है, गेमर्स के लिए थम्स अप। इस फोन में मैंने एप्लीकेशन वगैरह ओपन करके चेक कर रहा था, तो एप्लीकेशन काफी जल्दी जल्दी ओपन होता है, और इस फोन में ना अल्ट्रा फास्ट का एक ऑप्शन दिया है डिस्प्ले सेटिंग के अंदर, तो वहाँ पे जाके एनिमेशन वगैरह को अगर आप सुपर फास्ट या फास्ट वगैरह कर लोगे, एप्लीकेशन वगैरह बहुत जल्दी जल्दी ओपन होता है, यूज करने में मजा आता है, तो एप्लीकेशन ओपनिंग के टाइम में लैग वगैरह नहीं है। हमारे पास है 8GB 256GB वेरियंट। मैं रैम मैनेजमेंट टेस्ट कर रहा था, ऑब्वियसली 8GB का रैम है तो रैम मैनेजमेंट बढ़िया है, हर एक एप्लीकेशन रैम में रहता है, चाहे वो गेम हो या कुछ भी एप्लीकेशन हो, हर एक एप्लीकेशन रैम में रहता है, मेरे को काफी अच्छा लगा। इस फोन में छोटे मोटे बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलता है, हमारे फीचर्स चैनल में इस फोन का 50 प्लस फीचर्स है, तो वीडियो एक बार जरूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या कार्ड में आप लोगों को मिल जाएगा, वो वीडियो एक बार जरूर चेक कर लेना, हमारे फीचर्स चैनल में अवेलेबल है इस फोन का 50 प्लस फीचर्स, बेहतरीन फीचर्स के बारे में बताया हूं दोस्तों। कॉल क्वालिटी काफी अच्छा है, मैं बहुत सारे फ्रेंड के साथ बात कर चुका हूं, सभी का आवाज मेरे को काफी अच्छी तरीके से सुनाई दे रहा था। वाइट वाइन L1 मिलता है, यानी कि नेटफ्लिक्स Amazon Prime में फुल HD कंटेंट वगैरह कंज्यूम कर पाओगे। कैमरा टू API का ऑप्शन देखने को मिलता है, बहुत सारे सेंसर भर के दिया है। सबसे बड़ी बात क्या पता है, इस फोन में NFC का सपोर्ट है, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट आप लोग कर पाओगे। NFC बहुत बड़ी बात है, 20,000 में बहुत सारे अच्छा अच्छा ब्रांड भी प्रोवाइड नहीं करता है, इन्फिनिक्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। बहुत सारे भाई लोग यहाँ पे कमेंट करेगा मैं इन्फिनिक्स का प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं दोस्त, मैं इस फोन को खरीदा हूँ, इन्फिनिक्स मुझे भेजा नहीं है, बस खरीद के रिव्यू कर रहा हूँ, जो सब कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सच्चाई बता रहा हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। चलो दोस्त कैमरा की ओर चलते हैं। बैक साइड की तरफ 50 MP का प्राइमरी सेंसर मिलता है, 2 MP का सेकेंडरी सेंसर और 2 MP का थर्ड सेंसर, 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। मैंने नाइट में बहुत सारे पिक्चर वगैरह खींचा हूँ, अगर मैं आप लोगों को नॉर्मल सैंपल और नाइट सैंपल साइड बाई साइड दिखाऊं तो आप लोगों को गौर से पता लगेगा नाइट मोड इनेबल करने के बाद ये फोन तगड़ा पिक्चर खींचता है, नॉर्मल मोड में उतना अच्छा आप लोगों को क्वालिटी नहीं मिलेगा, लाइट वगैरह को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है, लेकिन उसी जगह में नाइट मोड करके कोई भी सिचुएशन में आप पिक्चर वगैरह खींचोगे पिक्चर क्वालिटी धांसू आता है। मैं बहुत सारे नाइट सैंपल और नॉर्मल सैंपल साइड बाई साइड यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिए, नाइट मोड करके खींचोगे क्वालिटी एक अलग लेवल का आता है। नाइट मोड में ह्यूमन सैंपल अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं बैक कैमरा से तो यहाँ पे भी नाइट मोड में शानदार परफॉर्मेंस किया है, उतना ज्यादा ब्यूटी नहीं किया है, उतना ज्यादा डार्कनेस लेकर नहीं आया है, क्वालिटी भी काफी अच्छा है और फोकस में अच्छी तरीके से लिया है नाइट मोड करने के बाद। अगर आप अंधेरे में कोई भी पिक्चर खींच रहे हो नाइट मोड करके पिक्चर खींचना, अच्छा क्वालिटी पिक्चर आएगा। सेल्फी कैमरा से अगर आप नाइट मोड में सेल्फी कैमरा वगैरह खींचोगे तो सेल्फी कैमरा भी शानदार आता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ नॉर्मल सैंपल और नाइट सैंपल सेल्फी कैमरा का यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आप लोग चेक कर लीजिए, यहाँ पे भी हर एक सिचुएशन में नाइट मोड करके जो सैंपल है वो बेटर परफॉर्मेंस करता है। इस फोन में मैक्रो लेंस दिया गया है, तो चलो कुछ सैंपल मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूंगा, मैक्रो सैंपल भी काफी अच्छा क्लिक करता है हर एक सिचुएशन में। डेलाइट में बहुत सारे फ्लावर का मैं पिक्चर खींचा था, हर एक फ्लावर को टोटली व्हाइट कर देता है, टोटली कलर को बूस्ट कर देता है, येलो कलर को और भी येलो कर देता है, तो इस फोन में ये प्रॉब्लम मेरे को लगा है, इन्फिनिक्स को इसके ऊपर स्लाइटली काम करना चाहिए। लेकिन बैक कैमरा के प्रोटेट मोड अच्छा परफॉर्मेंस करता है, एज डिटेक्शन वगैरह काफी अच्छा है, उसी जगह में सेल्फी कैमरा में भी शानदार परफॉर्मेंस करता है, प्रोटेट मोड में बैकग्राउंड को टोटली व्हाइट कर देता है और स्लाइटली ब्यूटी भी करता है इन्फिनिक्स। यहाँ पे स्लाइटली ऑप्टिमाइज का जरूरत है कैमरा में इन्फिनिक्स को, मेरे तरफ से इन्फिनिक्स को एक फीडबैक है, आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा काम करो कैमरा में प्रोटेट मोड के ऊपर, वरना कैमरा शानदार है। इस फोन में साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है और इसका फिंगरप्रिंट सेंसर काफी फास्ट है, बहुत जल्दी जल्दी ओपन होता है। बात करते हैं 20,000 में इस फोन को लेना चाहिए कि नहीं। देखिए दोस्त 20,000 में ना बहुत सारे स्मार्टफोन है, फिर भी एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपके लिए एमोलेड डिस्प्ले मायने नहीं रखता है, बाकी अगर आप ओवरऑल स्मार्टफोन चाहते हो, एक बेहतरीन स्मार्टफोन चाहते हो, लेदर फिनिश के साथ एक स्मार्टफोन चाहते हो, 5G फोन हो, 8GB 256GB वेरिएंट हो 20,000 के अंदर, इन्फिनिक्स
Infinix Zero 5G 2023 Turbo Edition के पास जरूर एक बार देखना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना फास्ट सेल में इस फोन को आप लोग परचेस करोगे कि नहीं। मैं इस फोन को रिक्वायरमेंट करता हूँ 20,000 में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगा हो लाइक करके जरूर बताना। सब्सक्राइब करके मुझे भी मोटिवेट कर सकते हो आगे ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। इस फोन के बारे में अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताओ या इंस्टाग्राम में आके मुझे DM करो। हर एक क्वेश्चन का सवाल मैं करूंगा और आपके कंफ्यूजन दूर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।